अगर असुर देख लियो और अब सिर्फ आपको हॉरर थ्रिलर देखना है, तो आज मैं आपको टॉप 10 ऐसी हॉरर थ्रिलर सीरीज के बारे में बताने वाला हूँ जो आपको किसी भी कीमत पे एक बार तो देखना ही चाहिए। और इस वीडियो में बताई गई एक भी सीरीज अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर देना। और जो हमारे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको पता होगा कि मैं किसी पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से वीडियोज़ नहीं ला पा रहा था, लेकिन अब हम फिर से एक्टिव हो चुके हैं और आज के वीडियो में हम काउंट डाउन करने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 बेस्ट हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज़ की, जो कि आपको 2023 में एक बार देखनी चाहिए। और अगर हम पे एक और मेहरबानी करना चाहते हो तो इस वीडियो को उन सभी लोगों को शेयर कर देना जिनको मूवीज़ और सीरीज़ देखना पसंद है। नंबर 10 लाइव टेलीकास्ट। जैसा इस सीरीज का नाम है, सीरीज की स्टोरी पूरी तरीके से लाइव टेलीकास्ट पे ही फोकस करती है। सीरीज की स्टोरी शुरू होती है जेनी और उसके क्रू मेंबर से, जो एक टीवी चैनल के लिए हॉरर कंटेंट बनाते थे। वो हॉरर को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए कुछ ऐसा प्लान करते हैं जिससे वो सब मुसीबत में पड़ जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि हॉरर सीन्स को लाइव ही टेलीकास्ट करना चाहिए जिससे ऑडियंस को एक नेक्स्ट लेवल का हॉरर सीन्स देखने को मिलेगा। लेकिन ट्विस्ट तो तब आता है जब ये लोग अपने हॉरर लोकेशन पे पहुंचते हैं और वहां सब कुछ लाइव टेलीकास्ट कर देते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है जिससे इनकी पूरी टीम की जान खतरे में पड़ जाती है। तो अब ये लोग खुद को बचा पाते हैं या नहीं और उनकी टीम के साथ क्या हुआ होता है, ये सब तो आपको सीरीज़ देख के ही पता करना चाहिए। हो सकता है कि ये सीरीज़ आपको उतनी पसंद ना आए, लेकिन मैंने तो ये सीरीज़ पर्सनली काजल अग्रवाल की वजह से देखी है। अगर आप भी उनके फ़ैन हो तो इस सीरीज़ को वॉच कर सकते हो। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है जो कि 30 से 35 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज़ आपको हॉटस्टार पे मिल जाएगी। नंबर 9 कार्टून। ये एक हॉरर सीरीज़ है। इस सीरीज़ की कहानी फोकस करती है कार्टूनिस्ट और इत्रो पे, जो कि बहुत सारे कार्टून डिज़ाइन करता है। उसकी लाइफ तब बदल जाती है जब वो अपनी फैमिली के साथ एक न्यू अपार्टमेंट में रहने जाता है। उस अपार्टमेंट में औरित्रो के साथ बहुत कुछ अजीबोगरीब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग जाती है और उसको हर जगह कार्टून से बनी हुई ड्राइंग्स देखने को मिलती है। तो ये सब औरित्रो के साथ क्यों हो रहा होता है, इस चीज़ की मिस्ट्री क्या है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ की स्टोरी काफ़ी यूनिक और इंटरेस्टिंग है। सीरीज़ में जो सस्पेंस बिल्ड किया है उसको आपको एक बार ज़रूर वॉच करना चाहिए। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है और ये सीरीज़ आपको जियो सिनेमा पर फ्री में देखने को मिल जाएगी। नंबर 8 ब्रह्म। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर थ्रिलर सीरीज़ है जिसकी स्टोरी अलीसा खन्ना नाम की एक लेडी के अराउंड घूमते रहती है। वो एक नॉवेलिस्ट है और पास्ट में उसके साथ बहुत भयानक इंसिडेंट होने की वजह से वो अपने आप को ठीक करने के लिए अपनी बहन के घर शिमला आ जाती है, लेकिन उसको भी नहीं पता कि ये जगह उसके लिए नई मुसीबत लाने वाला होता है। वो घर जंगल झाड़ियों के बीच बसा होता है। जब से अलीसा उस घर में आई होती है उसको उस घर के बाहर एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है और जब वो इस चीज़ के बारे में पता करने लग जाती है तो उसको और भी बहुत कुछ पता चलता है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है ना कि वो एक मेंटल कंडीशन पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी कि PTSD से गुजर रही होती है। तो ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ये सब उसके मन का भ्रम तो नहीं। अब देखो ये भ्रम है या सच्चाई, ये तो आपको सीरीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा। एक चीज़ और, सीरीज़ 18+ है, सीरीज़ Zee5 अवेलेबल है। सीरीज़ में टोटल 8 एपिसोड है और हर एपिसोड 20 से 25 मिनट लंबा है। नंबर 7 गहराइयाँ। ये इंडिया की पहली हॉरर वेब सीरीज़ है। ये सीरीज़ 2017 में रिलीज़ हुई थी। सीरीज़ की कहानी रैना मलिक की है जिसे सर्जरी करना बहुत पसंद होता है, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद वो कभी सर्जरी नहीं कर सकती। रैना अपना अपार्टमेंट छोड़ के एक न्यू अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाती है जहाँ पर उसके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होने लग जाती है और अब वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। इसके बारे में वो अपने फ्रेंड्स को बताती है, लेकिन हर हॉरर स्टोरी की तरह कोई भी उसका फ्रेंड इस बात पे विश्वास नहीं करता। फिर उसकी मुलाकात साहिल से होती है, वो भी सेम अपार्टमेंट में ही रहता है। धीरे धीरे रैना को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन इनके बीच अभी भी रैना के साथ घोस्ट वाली एक्टिविटीज़ आए दिन हो ही रही होती है। लेकिन इन सब के बीच रैना को साहिल के बारे में कुछ ऐसा पता चलता है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। तो कौन है साहिल, क्या है उसकी मिस्ट्री, ये सब जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में जो हॉरर सीन्स हैं वो आपको डराने में कामयाब होते हैं। इस सीरीज़ को आप एक ट्राई ज़रूर दे सकते हो। सीरीज़ में 10 एपिसोड है और ये सीरीज़ आपको YouTube और जियो सिनेमा दोनों जगहों पे फ्री में देखने को मिल जाएगी। नंबर
नंबर 6 परछाई। अगर आपने बचपन में आहट और कोई है जैसे शोज देखे हैं और आप उन शोज के फैन हो तो ये सीरीज़ आपको आपके बचपन की याद दिला देगी। ये सीरीज़ भूत प्रेत और दादी नानी वाली भूतिया कहानियों पे बेस्ड है। इस सीरीज़ में टोटल 12 एपिसोड है और हर एपिसोड में आपको एक नई भूत की स्टोरी देखने को मिलेगी। सीरीज़ की खास बात है, ये सीरीज़ जितनी छोटे बच्चों को पसंद आएगी उतनी ही ये सीरीज़ बड़े बच्चों को भी पसंद आएगी। सीरीज़ प्योरली बच्चों के लिए बनाई गई थी, जिस वजह से इस सीरीज़ में एक भी घटिया डबल मीनिंग के डायलॉग्स नहीं है और ना ही कोई 18+ सीन्स। हाँ, लेकिन सीरीज़ में भूत से डर लग सकता और कहीं कहीं इसमें आपको फ्रेंडली भूत भी देखने को मिलेगा। और हर एपिसोड के एंड में वो भूत भूत बना कैसे होता है ये जानना और भी थ्रिलिंग है। इस सीरीज़ को रस्किन बॉन्ड ने लिखा है और जिनको नहीं पता रस्किन बॉन्ड ऐसी ही कहानियाँ लिखने के लिए काफ़ी फेमस है। अगर आपने ऑलरेडी ये सीरीज़ वॉच कर ली होगी तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में बता देना। और ये सीरीज़ आपको Zee5 पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ में टोटल 12 एपिसोड है जो कि 35 से 40 मिनट लंबे हैं। नंबर 5 घोल। आपको इस सीरीज़ के नेम से ही पता चल गया होगा कि ये सीरीज़ फोकस करती है जिन पे जो लोगों को मार के उनका मांस खा लेता है। वो जिसको भी मारता है वो ठीक उसके जैसा ही बन जाता है। सीरीज़ में आपको दिखाया गया कि एक आर्मी की टीम होती है जो कि एक आतंकवादी को इंटेरोगेट कर रही होती है, लेकिन जो आतंकवादी होता है वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं होता, वो एक जिन्न होता है और वहाँ पर सबको मारने आया होता है। तो एंड में क्या होता है ये जानने के लिए तो आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ में सिर्फ 3 ही एपिसोड है जो कि 45 से 50 मिनट लंबे हैं और ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। नंबर 4 टाइपराइटर। ये एक हॉरर सीरीज़ है जो कि आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी। सीरीज़ की स्टोरी में दिखाया गया कि एक विला है जो कि कई सालों से बंद होता है, लेकिन एक बार फिर उस फैमिली के कुछ लोग उस विला में रहने आ जाते हैं। उसके बाद वहाँ पे लोगों का मिस्टीरियस वे में मौत होने लग जाता है और पुलिस भी इन मौतों की मिस्ट्री का पता नहीं लगा पाती। और सीरीज़ में एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, एक लेडी। इस लेडी की खास बात है ना कि ये जिससे भी बात करती है वो अगले दिन मर जाता है। और यही नहीं, इस सीरीज़ की सबसे बड़ी मिस्ट्री तो एक ओल्ड टाइपराइटर है, और उस टाइपराइटर की मिस्ट्री क्या है ये तो मैं आपको नहीं बताने वाला, वो तो आपको खुद ही देखना होगा। इस सीरीज़ का नाम यूं ही टाइपराइटर नहीं रखा है और इस चीज़ के पीछे क्या मिस्ट्री है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल है। सीरीज़ में 5 एपिसोड है जो कि 40 से 45 मिनट लंबे होंगे। टॉप 3 की वेब सीरीज़ बताने से पहले अगर आपको वेब सीरीज़ या मूवीज़ देखना थोड़ा भी पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। हमारी लिस्ट में 3rd नंबर पे है फ्लिप। ये सीरीज़ बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट पे बनी है और इस सीरीज़ को आप इंडियन ब्लैक मिरर भी बोल सकते हो। सीरीज़ में टोटल 4 एपिसोड है और हर एपिसोड में एक नया स्टोरी देखने को मिलता है। पहला स्टोरी एक गेम पे फोकस करता है जिसमें कुछ अमीर लोग पैसे देके इंसानों की हंटिंग करते हैं। दूसरी स्टोरी एक आदमी की है जो कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खो चुका होता है, लेकिन वो हमेशा से ऐसा नहीं होता, उसके ज़िंदगी में कुछ ऐसा हुआ होता है जिसके वजह से वो ऐसा बना होता है। तीसरी स्टोरी बेस्ट है जो कि एक लव स्टोरी पे फोकस करती है, लेकिन एक ऐसी लव स्टोरी जो आपने आज तक नहीं देखी होगी क्योंकि स्टोरी प्यार पे फोकस नहीं करती। चौथी स्टोरी एक श्राप पे फोकस करती है जिस वजह से उस खानदान का कोई भी आदमी शादी नहीं कर सकता, और अगर किया तो उसके साथ जो होगा वो आपको ही देखना चाहिए। हर कहानी में गजब का ट्विस्ट है और जिस तरीके से कहानी फ्लिप हो जाती है वो तो शायद ही आपने इससे पहले कभी इंडियन सिनेमा में देखा होगा। सीरीज़ फ्री में जियो सिनेमा पे अवेलेबल है। सीरीज़ में टोटल 4 एपिसोड है जो कि 35 से 40 मिनट लंबे हैं। नंबर 2 बेताल। ये एक हॉरर क्राइम थ्रिलर सीरीज़ है। इस सीरीज़ को उसी मेकर्स ने बनाया जिन्होंने बार्ड ऑफ ब्लड और घोल जैसी मास्टरपीस वेब सीरीज़ दी है। सीरीज़ की कहानी एक गांव की है जहां पे एक टनल को तोड़ के रोड बनने वाला होता है और गांव के लोग उस रोड के अगेंस्ट होते हैं। उनका मानना होता है कि वहां पे एक ब्रिटिश कर्नल की आत्मा रहती है और अगर रोड बना तो वो आत्मा सबको मार डालेगी, और गांव के लोग किसी भी कीमत पे रोड बनने नहीं देने वाले होते, जिस वजह से वहां पे पुलिस फोर्स बुलानी पड़ जाती है और काम स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे गाँव के लोगों ने कहा था आगे जाके वो सारी बातें सच होने लग जाती है। उस टनल में बहुत सारे जॉम्बीज होते हैं जो कि अब सभी लोगों को मारने वाले होते हैं। तो सीरीज़ में आगे क्या होता है और सीरीज़ में बेताल का क्या कॉन्सेप्ट है ये जानने के लिए आपको ये सीरीज़ देखनी होगी। सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा डार्क है। सीरीज़ का स्क्रीन प्ले और सिनेमेटोग्राफी एकदम आउटस्टैंडिंग है। सीरीज़ कहीं पे भी बोर नहीं फील कराती। इस सीरीज़ में टोटल 4 एपिसोड है जो कि 40 से 50 मिनट लंबे हैं ईच, और ये सीरीज़ आपको नेटफ्लिक्स पे देखने को मिल जाएगी।
हमारे लिस्ट में फर्स्ट नंबर पे है अधूरा। अगर आप कोई सुपर नेचुरल हॉरर सस्पेंस थ्रिलर सीरीज ढूंढ रहे हो तो इस सीरीज से अच्छी सीरीज नहीं मिलेगी। सीरीज की स्टोरी दो टाइमलाइन में सेट की गई है, पहला टाइमलाइन 2007 का और दूसरा 2022 का। और जिस तरीके से सीरीज में पास्ट और प्रेजेंट को एक दूसरे के साथ जोड़ के दिखाया गया वो आउटस्टैंडिंग है। कहानी ऊटी के घनी वादियों में एक स्कूल से शुरू होती है जिसको देख के ही कहानी हॉन्टेड मालूम पड़ती है। सीरीज में सुपर नेचुरल चीज़ें तब होना चालू होती हैं जब इस स्कूल में 2007 का एक पुराना बैच रीयूनियन के लिए आया होता है। इस बैच के अधिराज और स्कूल के 10 साल के बच्चे वेदांत में कुछ मिस्टीरियस सा कनेक्शन है। वेदांत को सब लोग मेंटली डिस्टर्ब समझते हैं और उसकी हरकतें भी वैसी हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा होता है उसके पीछे वेदांत है या कोई और, या उसके शरीर से ये कोई सब करवा रहा होता है। सीरीज में आत्मा, भूत प्रेत, पास्ट प्रेजेंट सब कुछ बहुत ही डिटेल में, और इसको आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मैं आपको थोड़ा भी स्पॉइलर देके कमेंट में गालू खाऊं। यकीन मानो सीरीज की स्टोरी और विजुअल आपको डराने के लिए काफ़ी है, और यकीन नहीं होता तो इस सीरीज़ को एक बार वॉच कर लो। सीरीज प्राइम वीडियोज़ पर अवेलेबल है। सीरीज़ में टोटल 7 एपिसोड है जो कि 40 से 45 मिनट लंबे हैं। तो ये थी टॉप 10 बेस्ट हॉरर थ्रिलर वेब सीरीज़। अगर आपको इससे अच्छी कोई सीरीज़ पता है तो आप उसको कमेंट करके बता सकते हो, और मूवीज़ और वेब सीरीज़ के लिए इन सारे वीडियोज़ को भी चेकआउट कर सकते हो।